बाइक सवार दो बदमाशों ने सिद्धार्थनगर के स्वर्ण कारोबारी से कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के हड़ावा पुल पर करीब 190 ग्राम सोना लूट लिया। कारोबारी बुधवार की रात पत्नी के साथ कार बुक कर गोरखपुर से सिद्धार्थनगर लौट रहे थे। घटना की सूचना पर गुरुवार को एडीजी अखिल कुमार और एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु, एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और कैंपियरगंज थाने में केस दर्ज करने के साथ ही मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना के खुलासे के लिए एसएसपी ने पुलिस की तीन टीमें लगाई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ के भारत माता चौक निवासी स्वर्ण कारोबारी अरविंद नाथ वर्मा अपनी पत्नी के साथ बुधवार को निजी काम से गोरखपुर आए थे। देर रात में एक कार बुक कर वह सिद्धार्थनगर लौट रहे थे। कैंपियरगंज के हड़ावा पुल के पास एक बाइक पर दो बदमाश आए और कार पंचर होने की बात कही। ड्राइवर कार रोककर टायर चेक करने लगा। इतने में बाइक सवार वापस आए और कार की चाबी निकाल ली। दोनों ने ड्राइवर और अरविंद को असलहा सटा दिया और दोनों के मोबाइल और सोना लूटकर फरार हो गया। अरविंद ने राहगीरों की मदद से घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए। घटना के पर्दाफाश के लिए पुलिस की तीन टीमें लगा दी गई हैं। लूटे गए सोने की कीमत 7 लाख रुपए बताई गई है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि पुलिस कुछ दूरी पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। इसके अलावा कार ड्राइवर के विरोधाभासी बयान के आधार पर पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना के जल्द पर्दाफाश होने की संभावना है। घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने कहा कि स्वर्ण कारोबारी की तहरीर पर लूट का मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा। कल रात 9:30 बजे धानी टोल प्लाजा के पास में एक अमरनाथ वर्मा गोरखपुर से सोने की खरीदारी करके वापस हो रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल से दो लड़के उनके आगे पहुंचे, उनको ओवरटेक किया और ड्राइवर को बताया कि तुम्हारा पहिया पंचर है। इस पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और वो देखने लगा। इतने में ही उन दोनों ने जो पीछे बैठे पति पत्नी थे, जिनके पास वो ज्वेलरी वाला बैग था, वो छीन लिया और मोटरसाइकिल से फरार हो गए। दो जनपदों की पुलिस इसमें एडीजी महोदय के निर्देश पर महाराजगंज और गोरखपुर की लगी है, उनके एसओजी टीमें लगी हैं और सीडीआर और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी वगैरह की सहायता से इसके खुलासे का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लूट सर कितने की हुई है? ये लगभग 190 ग्राम सोना था, तो 7 लाख के आसपास का। कहाँ से खरीदारी किए थे ये? ये गोरखपुर में वो इसके गोलघर के पास में एक बड़ी ज्वेलर्स की दुकान है, वहां से इन्होंने खरीदा था। क्या कोई एविडेंस वगैरह कलेक्ट हुआ सर कुछ? अभी तो क्योंकि ड्राइवर की बातों में काफी विरोधाभास मिल रहा था, तो उसको हिरासत में लिया गया है।